एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस की तरफ से बहुत सारी अपडेट देखने को मिल रही है, उन्हीं में से कुछ अपडेट हम आपके सामने यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ सैलरी हाइक से रिलेटेड है, कुछ आपकी होने वाली है क्या बोलते हैं जो इनकी कैंपस से रिलेटेड होने वाली है, जो ये लोग कैंपस वाले हायर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कुछ आपकी होने वाली है कि क्या बोलते हैं इंटरनेट क्लेम, जो आप इन्फोसिस में अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा ये लोग कुछ इंटरनेट क्लेम वगैरह देते हैं जो पहले वर्क फ्रॉम होम था। ठीक है, और अभी भी मतलब काफ़ी लोगों को मिलता है, बट इनकी जो पॉलिसी चेंज हुई है 1 अक्टूबर से कुछ चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल, अभी रिसेंटली तो हम मोस्टली ऑफ कैंपस हायरिंग ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, जो रिमोट होती है या वर्क फ्रॉम होम होती है, वर्क फ्रॉम ऑफिस होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पर जाके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए वीडियो को आरम्भ करते हैं। तो अगर आप ना इसमें मतलब कि काम करते हैं तो आपको पता होगा रिसेंटली इन्होंने वो किया है, क्या बोलते हैं, बताया है कि ये लोग अपनी जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट जो लास्ट फेब से पेंडिंग था वो इस सितंबर से भी पेंडिंग था, फिर ये फरवरी वाला भी, तो इन्होंने आप बोला है कि ये लोग करेंगे, ये नवंबर के 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना कि किनको किनको मिलेगा। तो मोस्टली लोग, आपको ही पता हो, मोस्टली लोग हायरिंग में क्या बोलते हैं अप्रेजल के लिए वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनकी अप्रेजल होने वाली होती है, जो कंफर्म एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको सभी के स्क्रीनशॉट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं ऑन कैंपस इसलिए नहीं करने वाले ये, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा नवंबर 2021 से लेके और आई थिंक मार्च 2022 तक बहुत हायरिंग की इन्होंने, तो वही लोग अभी तक पेंडिंग है। कुछ लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, कुछ लोगों को अभी भी ये लोग बेंच पे रखे हुए हैं, तो ये मेन कारण है। और उसके बाद है नो मोर इंटरनेट क्लेम, तो अभी इन्होंने 1 अक्टूबर से ना कुछ पॉलिसी में चेंजेस वगैरह किए, तो उन्होंने ना पहले 1000 था उसे 700 कर दिया, बट वो 700 भी अब क्लेम नहीं हो रहा है। तो ये कुछ अपडेट देखने को मिल रही, तो मैं आपको सभी के 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट और न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ भी देख सकते हो, इन्फोसिस Q2 IT मेजर टू रोल आउट सैलरी हाइक्स फ्रॉम नवंबर 1, 2023 एंड स्किप हाई कैंपस हायरिंग। तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर वी हायर्ड 50,000 जो मैंने आपको पहले बोला था, और उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग हो रही है AI वगैरह पे, और रिसेंट जो भी है अपडेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह हैं जो भी ट्रेंडिंग है उनके ऊपर, इसलिए ये लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको तब भी बताया, बाकी और काफ़ी स्क्रीनशॉट भी आए हैं। देखो, इन्फोसिस टू रोल आउट वेज हाइक फ्रॉम नवंबर 1, उसके अलावा आप ये देख पाओगे कि इन्फोसिस फाइनेंशियल ऑफिसर नील रंजन रॉय से दैट इन इन्फोसिस विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज कैंपस टू हायर फ्रेशर्स दिस ईयर ड्यू टू लेस डिमांड इन IT सेक्टर। बाकी मेन तो आपने देख ही लिया, काफ़ी ज़्यादा हायरिंग के कारण। ठीक है, और उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो ये कुछ इस प्रकार का, ये जो क्या बोलते हैं इन्होंने चेंज वगैरह किया 1000 से जो इनकी रीइंबर्समेंट वो था ना, क्या बोलते हैं क्राइटेरिया, जिसे 1000 से 700 कर दिया, बट अभी भी काफ़ी लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो 30 सितंबर से ये चेंज हुआ था और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है जब भी कोई अप्लाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें आप फेस कर पाओगे। ठीक है, आप जब भी आप अप्लाई करने जाओगे क्या बोलते हैं उसे इंटरनेट क्लेम इन्फीमी पे, तो जैसे आपने सभी के न्यूज़ वगैरह देखे ही, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग काम कर रहे हैं इन्फोसिस में यही जानना चाहते हैं कि सैलरी का जो हाइक वाला जो सीन है, तो जैसे मैंने बताया मे बी सभी लोग एलिजिबल ना हो, मोस्टली लोग जो अप्रेजल के लिए पेंडिंग है जिनकी कंफर्मेशन हो गई है वही लोग ही एलिजिबल हो, जो मान लो अगर आप बेंच पे हो तो आपको शायद ना मिले, बाकी 1 नवंबर के बाद तो ये पूरा क्लियर हो ही जाएगा किसे किसे मिलेगा। और नो ऑन कैंपस वाला भी मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारी हायरिंग और काफ़ी लोग बेंच की होने की वजह से कोई हायरिंग नहीं हो रही है ऑन कैंपस, जो जा के ये लोग करते थे। और नो मोर इंटरनेट क्लेम भी उनमें से एक है, जो क्या बोलते हैं कॉस्ट कटिंग में इनका काम करता है, क्योंकि काफ़ी लोग क्लेम करते हैं ना, मान लो अगर 1000 लोग भी करें 1000 रुपये, तो
सोच सकते हो कितना हो गया, 1,00,000 रुपये हो गया। तो ये लोग सोचते होंगे 1,00,000 भी कॉस्ट कटिंग होगा तो ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं तीनों के तीनों, जो तीनों चारों अपडेट है एक ही में हम मर्ज करके, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।